दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील पटेल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है नरेगा क्रिएशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नए ऐप के बारे में जानकारी दूंगा जिसका नाम है काम मांगो ऐप। इसके द्वारा आप काम की मांग के साथ साथ ये दो प्रकार की जानकारी जैसे जॉब कार्ड के लिए आवेदन करना और शासन के महत्वपूर्ण आदेशों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये आदेश अभी केवल मध्य प्रदेश शासन द्वारा ही जारी किया गया है, कुछ समय पश्चात शेष राज्यों में भी शीघ्रता से इसे लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए आपको मैं सबसे पहले तो यह बता दूं कि आप इसे इंस्टॉल कैसे करें। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाएं और वहां पर सर्च करें काम मांगो। सर्च करने के पश्चात यहां ऊपर से चौथे नंबर पर मनरेगा के लोगों के साथ यह ऐप दिखने लगता है। इस पर आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यह ऐप अभिनव ISV भोपाल द्वारा डेवलप किया गया है। क्योंकि मेरे मोबाइल पर यह पहले से इंस्टॉल है, अतः यह ऑलरेडी ओपन करने के लिए डिस्प्ले होने लगता है। मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के पश्चात आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला जॉब कार्ड धारी के रूप में, दूसरा ग्राम के नागरिक या स्वयं सेवक के रूप में, और तीसरा पंचायत सचिव या रोजगार सहायक के रूप में। अब इन तीनों में आप किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करते हैं, उनका अलग अलग महत्व और आवश्यकताएं होती हैं। इसके बारे में हम आगे कभी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस डेमो वीडियो के लिए मैं नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं यह प्रोसेस समझाता हूं। यदि आप जॉब कार्ड धारी के रूप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो प्लीज ऊपर दी हुई कार्ड बटन पर क्लिक करें। ग्राम के नागरिक पर क्लिक करने के पश्चात आप अपना जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम सिलेक्ट करें। ग्राम पंचायत और ग्राम सिलेक्ट करते समय आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम सम्मिलित रहते हैं, इसलिए यह ऑप्शन ऐड किया गया है। तत्पश्चात आप अपना नाम टाइप करें और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर लिखें। यदि आपका कोई ईमेल एड्रेस है तो आप उसे भी यहां टाइप कर दें, और यदि नहीं है तो इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी। तत्पश्चात पंजीयन करें पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP नंबर आता है। इस OTP की पुष्टि के लिए पुनः एक बार आपसे यह ऐप मोबाइल नंबर की जानकारी मांगता है, और कभी कभी यह सीधा ही OTP नंबर को ट्रेस कर लेता है। फिलहाल हम एक बार पुनः अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इस प्रकार का एक वेलकम नोट भी डिस्प्ले होने लगता है। अब आप इस प्रकार दर्शाए हुए टैब के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब काम की मांग कैसे करते हैं इसकी जानकारी मैं मेरे आने वाले वीडियो में दूंगा, और यदि आप चाहें तो इसकी समस्त जानकारी के लिए इस 36 पेज की PDF फाइल को डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ लें। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस घंटी वाली बटन को अवश्य दबा दें। और जब आप यह घंटी की बटन दबाते हैं तो इस प्रकार का एक ऑल का भी मैसेज आता है, प्लीज आप इसे भी दबा दें। और यह वीडियो के संबंध में आपके मन में यदि कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और मनरेगा की न्यू अपडेट्स के लिए मेरे फेसबुक पेज जिसका नाम मनरेगा क्रिएशन है, इससे अवश्य जुड़ जाएं। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नमस्कार।